अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल निकालने का तरीका सिखाऊंगी। ये बेसिकली ये इक्वेशन मैंने जो लिया है ये आई हुई है बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट की 2021 के पेपर में आ चुकी हुई है। ये 2.1 में से ये क्वेश्चन उन्होंने लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था जी, पॉइंट्स में जो है क्वेश्चन बना दी हुई थी, इक्वेशन जो है पॉइंट्स में बना दी हुई थी, और बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे कि इस इक्वेशन को करना कैसे है सॉल्व। मतलब उन्होंने ना उसके साइड पर कहीं पर मैट्रिक्स मेथड ना क्रैमर रूल के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रहा है कि ये करना कैसे है क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 2.1 में से उन्होंने लिया, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में से। दूसरी क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूँ 9th 10th के बारे में, 9th 10th में भी होता है, उसके बाद मेरे यहाँ SSS के स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के, ठीक है। जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर होता है उसमें से ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड लेना सिखाया, अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल से। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल, इस इक्वेशन का कैसे निकालना है और आपको जो है बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट को क्वेश्चन आया कैसे था। क्वेश्चन आया था इनका ऐसे जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उन्होंने सिर्फ लिख दिया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उन्होंने आगे ये था लिखा बाय क्रैमर रूल बाय मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट चीज़ तो उन्होंने ये नहीं की, और सेकंड चीज़ क्या नहीं थी है कि उन्होंने इक्वेशंस के अंदर लगा दिए हुए थे डॉट्स, ठीक है, पॉइंट, यानी कि 1.5 लिख दिया, 0.7 लिख दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। ये इक्वेशंस आई थी आपको, बच्चों ने इसलिए छोड़ दी थी। एक चीज़ ये थी कि उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ उनको ये हो गई थी कि ये आ गया पॉइंट में तो ये मतलब सॉल्व नहीं होगा हमसे। तो मैं आपको अब इसका तरीका बताऊंगी कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमने बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको करना सिखाऊंगी मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे पोर्शन में, ABC में, ठीक है। ABC में हम लोग पहले इनको कन्वर्ट करेंगे तो हम आगे फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ए में अब हम क्या बनाएंगे, ए में क्या बनेगा, सिंपल सिंपल ये जो लिखी हुई है ना आपकी इक्वेशंस, आप यहाँ पर लिख देंगे इनको, ठीक है। अगर इनके साथ यहाँ पे कोई माइनस का साइन होगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इक्वल के इस तरफ जो है उनको नहीं लिखना आपने, मतलब इस तरफ वाली जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली ये आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन, वो क्या है 1.5। अच्छा, इसके साथ एक्स और वाई आपने नहीं लिखना, वो अलग से एक पोर्शन बनेगा, ठीक है। इसका सिर्फ इसके नंबरिंग जोन से है ना आपने वो लिख देनी है सिंपल सिंपल, ए में 1 और 2 ये दो कॉलम और रो आपने सिर्फ लिखनी है, ठीक है। 1.5, 0.7 और 0.8, 1.2, ठीक है, सिंपल ये ए में आ गया। उसके बाद बी में क्या आएगा, बी में आएगी राइट हैंड साइड पर जो आपके लिखे हुए नंबर्स, आप वही लिख देंगे सिंपल 1.2, चाहे कुछ भी हो, पॉइंट्स के अलावा भी हो तो आपने ऐसे लिखना है। मुझे जहाँ तक पता है कि पॉइंट्स के अलावा ही सब बच्चों ने समझे हुए थे ये क्वेश्चन, तो उन्होंने पॉइंट्स डाल के कन्फ्यूजन किया, तो मैं आपको पॉइंट्स के हिसाब से ही समझाती हूँ। 1.2 माइनस 4.4, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देंगे, इज इक्वल एक्स लिख दें, सी लिख दें, कुछ भी लिख दें नाम आप, ठीक है। उसके हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है, सिंपल ये एक्स एंड वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों यहाँ पे आ गए। पहले हम लोग करने लगे मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स हो या क्रैमर हो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग ए, जो ऐसे करके लाइनें सीधी सीधी लाइंस लगी हुई होती हैं, इनको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट लेना है हमने, ठीक है, वो क्या है, ए की वैसे वैल्यू क्या है, 1.5, 0.7, 0.8, 1.2। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1.5 को आप जब 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई ऑफ 1.2, ठीक है। अच्छा, आप जब इसको अपने करना है 0.7 और 0.8 को मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर एक साइन आएगा, वो कौन सा आएगा, वो यहाँ पे आता है डिटर्मिनेंट में, हमेशा मिड में साइन आता है माइनस का, ठीक है, प्लस का कभी साइन नहीं आता, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। प्लस का साइन इस सूरत में आ सकता है कि
इन अमाउंट्स के साथ किसी के साथ माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे आ सकता है, अदरवाइज जो डिटर्मिनेंट में होता है फार्मूले के हिसाब से वो होता है माइनस। ठीक है, अच्छा आपके 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 अब करेंगे हम लोग। ठीक है, 1.5 और 1.2 को मल्टीप्लाई करें आप सीधा सीधा और आएगा आपके पास 1.8 माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 करें तो आएगा आपके पास 0.56। ठीक है, इनको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1.24। सही है, 1.24 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर हम एडजॉइंट निकालते हैं, फिर हम लोग इनका इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स बी करते हैं, फिर इन्वर्स ए और बी। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं इसको फॉर्म। ए का डिटर्मिनेंट निकल गया, फर्स्ट चीज़ जो थी वो हमने निकाल ली। उसके बाद हमने निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अच्छा, अब एडजॉइंट ए मतलब ए इक्वेशन हमारे पास यही है, जब भी ए का नाम आएगा हम इसी को ही हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट लिया था, अब एडजॉइंट ए लेना है, ये एक इक्वेशन है। एडजॉइंट में क्या होता है, ये एक आप पहले सिंपल इक्वेशन लिखें उसकी जो भी है वो नीचे 0.8 1.2। एडजॉइंट में क्या होता है जी, हम लोग क्या करते हैं, एक साइड की साइड चेंज करते हैं और एक साइड के साइन चेंज करते हैं। वो कैसे, ये जो है साइड आपकी, इसकी हम लोग साइड चेंज कर देंगे, यानी कि 1.2 को 1.5 की जगह पर ले जाएंगे और 1.5 को 1.2 की जगह पर ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब ये जो दूसरी साइड बन रही है हमारी 0.7 और 0.8, इनके हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि इनके साथ क्या पावर लगी है, मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम इनके साइन चेंज करेंगे, इनके साथ प्लस है तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इनकी साइड चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसकी साइड चेंज होगी आप यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिख लीजिएगा साइड और यहाँ पे साइन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे साइड चेंज होगी बस और यहाँ पे साइन चेंज होंगे, एक ही चीज़ होगी। ठीक है, मतलब आपने दो दो चीज़ें नहीं करनी, साइड भी चेंज कर दिया साइन भी यहाँ पे चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम साइड चेंज करते हैं, इस साइड की 1.2 1.5 ऐसे आ जाएगा। अब 0.7 और 0.8 अपनी जगह पर ही रहेगा, हमने सिर्फ इसके साइन चेंज करने, यानी कि प्लस में है तो इनको माइनस में कर देना, 0.7 माइनस माइनस 0.8। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए भी निकाले हमने, एडजॉइंट ए भी निकाले, अब हम लेंगे इसका इन्वर्स, ए इन्वर्स। ठीक है, वो कैसे आता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, ये फार्मूला है ए इन्वर्स का ना, फार्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ये वैसे आप लोग शुरू से करते आ रहे होंगे, अगर आप न्यूली नहीं है तो बिगनर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, 1/ डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए हमने यहाँ पर लिया था, हमारे पास आया था 1.24 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एडजॉइंट ए भी हम लोग ले चुके हैं, जो हमारे पास आया 1.2 1.5 माइनस 0.8 माइनस 0.7। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, इसका फार्मूला सीधा लिखे हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब ए इनवर्स बी हमने करना है, बी हमारे पास ये है, ज़ाहिर है ये भी तो कोई है ना क्वेश्चन का हमारे हिस्सा, इक्वेशन का हिस्सा है, इसको भी तो हमने लेके आना है। अब इसका यहाँ पे काम होगा, पहले हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट लिया, एडजॉइंट निकाला, इनवर्स नहीं लिया, अब हम बी का इनवर्स लेंगे, सॉरी ए इनवर्स बी करेंगे। वो कैसे करेंगे, ए इनवर्स हमारे पास ये सारा आया है 1/1.2 और ये एडजॉइंट ए, हमने पहले सिंपल इसको ही लिखना है 1.24, ए इनवर्स पहले सारा लिखे हैं 1.2 माइनस 0.7 माइनस 0.8 1.5। उसके बाद हमें ए इनवर्स के बाद उसने बोला बी लिखें, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे बी, बी क्या था हमारे पास 1.2 माइनस 4.4 1.2 माइनस 4.4। ठीक है,
अब इसको हमने क्या करना है, जिसके अंदर कोई साइन नहीं है उसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बीच में कोई साइन नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने में भी बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। वो क्या गलती होती है कि वो मल्टीप्लाई जो है ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं इसको किसी के साथ, मतलब हर तरीके से वो गलत कर रहे होते हैं। तो हमारा करने का क्या तरीका होगा, मैं आपको एक तरीका बताऊँगी। हमने ऐसे करके एरो का निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एरो का इस तरफ से निशान जाएगा और यहाँ पे एरो इस तरफ से जाएगा, ठीक है, बी में। यहाँ पे इस तरफ से और यहाँ पे इस तरफ से। इसको करने का क्या तरीका होगा एरो के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल अभी यहाँ पे ऐसे ही आएगा, जब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे। 1/a डिटर्मिनेंट को, ठीक है, 2, 4 जाने के जो है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के लिए, ये एरो का ये जो बैक साइड है आप इसको इसकी बैक साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फेस को फेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अगर तरीका आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत इजी तरीका है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बैक को बैक से मल्टीप्लाई करना है और फेस को फेस से मल्टीप्लाई करना है। बैक में क्या है, 1.2, इसकी बैक में क्या है, 1.2, दोनों सेम है। उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ ये एक कॉलम सॉरी रो, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब इसमें प्लस आ गया, इसको अब फेस को फेस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। -0.8 × -4.4, ठीक है, इसमें सेम होगा, बैक को बैक से और फेस को फेस से। अब नेक्स्ट लाइन में हमें भी वो भी सेम करना है। बैक ये बन रही है 0.7 मल्टीप्लाई बैक्स, यहाँ पे सेम ही है 1.2, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा इनके। फिर क्या है, फेस क्या है, यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई फेस, यहाँ पे है -4.4, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा इजी है वैसे, ये आप फॉलो करेंगे तो बेस्ट है। 1/1.24 आ जाएगा यहाँ पे। इनको अब करें आप मल्टीप्लाई, 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.44 प्लस -0.8 × -4.4। जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.54, यानी कि माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब -0.7 × 1.2 करेंगे तो आएगा -0.84, ठीक है। अब 1.5 × -4.4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6.6, ठीक है। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है 1.24। अब ये ऐड करनी है आपने, 1.44 ऐड करेंगे 3.54 में तो आएगा आपके पास 4.98, ठीक है, 4.98 यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट आप जब ऐड करेंगे 0.84 − 6.6, जब दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस होगा। मल्टीप्लाई में ऐसे होता है कि आप प्लस हो रहा है तो आप यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है, लेकिन जब ऐसे हो रहा होगा ना प्लस माइनस, तो आपने क्या करना है, बड़ी रकम के साथ या आपने शुरू से सुना होना है बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होता है हम लोग उसी को ही लिखते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है लेकिन सिक्स के साथ यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या आ जाएंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास 7.44, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हमने, कैसे करना है, 4.98 को हम डिवाइड कर देंगे 1.24 पे, 1.24। इसी तरह -7.44 को डिवाइड कर देंगे 1.24 पे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट आएगा आपका 4.0, ठीक है, और नीचे वाला आपका आएगा -6, क्योंकि इसके साथ माइनस था, -6 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये एक्स और वाई था, ये हमारा एक्स हो जाएगा 4 और वाई हमारा हो जाएगा -6, ठीक है। सिर्फ इतना सारा आपका मैट्रिक्स में था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसके अंदर पॉइंट देख के, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने शायद उसको छेड़ा या नहीं छेड़ा या मुझे नहीं पता। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आपको वो बोले पेपर में आपके इस तरह इक्वेशन देके ऊपर लिख दे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपको जहन में आ जाना चाहिए या मैट्रिक्स मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, गलत आपका नहीं वो करेगा। दोनों तरीकों से मैं आपको आंसर यही निकाल के दिखाऊंगी,
मतलब जो आपका मैट्रिक्स मेथड का आया क्रैमर रूल में भी यही आपका आंसर आएगा, वो मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ। बताने का मकसद ये था, ये दोनों मुझे करके बताने का ये मकसद था कि जब आपको वो बोले सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब वो आपको एक चांस दे रहा है, आप मैट्रिक्स मेथड से करो या क्रैमर रूल से करो, जो आपको बेहतर आता है आप उसके साथ इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन वैसे वो क्या क्वेश्चन में लिखता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड बाय क्रैमर रूल। अब उसे अगर नहीं लिखा तो आप खुद ही अपना दिमाग लड़ा लो कि हम लोग मैट्रिक्स और क्रैमर दोनों में से एक चीज़ कर लेते हैं। पॉइंट में दे दिया उसने, चाहे उसने जैसे भी दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, आपको जवाब इसका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरना जो है, कंफ्यूज करना पेपर वाले की फितरत है, और जो है कंफ्यूज होने के बाद बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं फिर उनका तो उड़ना बनता है, ठीक है, जीरो लेना तो बनता है उनका। इसलिए अगर आपको पेपर वाला कंफ्यूज कर रहा है तो कंफ्यूज होने के बजाय उसको सॉल्व करने की कोशिश तो करें, हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। अब जब आपने, मैंने अब इसको सॉल्व किया तो ये एक दफ़ा में सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आप लोग भी कोशिश करते तो ये हो जाना था सॉल्व। अच्छा, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के हिसाब से क्रैमर रूल करना सिखाऊंगी। ये पोर्शन जो मैंने बनाए थे ए बी एक्स, ये अब मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका यहाँ से शुरू करने लगी हूँ डिटर्मिनेंट से, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए था सेम आपका जो हमारे पास आया था 1.24, ठीक है, 1/2 हमारे पास आया था डिटर्मिनेंट। उसके बाद क्रैमर रूल में हम लोग क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर हम लोग एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं ए एक्स के हिसाब से, और ए वाई के हिसाब से डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग, मतलब खोल लेते हैं इनको, ज़्यादा ज़रा लंबा चौड़ा कर देते हैं। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं यहाँ पे। अब एक्स, एक्स कैसे होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको। ए का एक्स डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ इसको लिखना कैसे यहाँ पे। अच्छा, ये जो हमारे पास ए, और मैंने आपको ए का बनाया था, ये जो है मैट्रिक्स पर क्या हमने इक्वेशन बनाई थी, ये कि इसको आपने समझना ये एक्स है, इसको आपने समझना ये वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने जब हमें बोला ना ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है, हमने एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो बी वाली वैल्यूज है ना ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स की जगह पे। एक्स का नाम लिया लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है, दूसरी वैल्यू लिखनी है वाई की। वाई का नाम लेगा तो हमने एक्स की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे उसने एक्स का नाम लिया तो हम लोग एक्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे बी की लिख देंगे 1.2 - 4.4, ठीक है। अब वाई की जगह हम लोग बिल्कुल सेम लिखेंगे 0.8 1.2, क्योंकि अभी हम लोग एक्स का निकाल रहे हैं इसलिए एक्स को नहीं लिखेंगे वाई को लिखेंगे, वाई का निकालेंगे तो एक्स को नहीं लिखेंगे, सॉरी वाई को नहीं लिखेंगे एक्स को लिखेंगे, ये आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया हुआ है 1.24। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे सेम जैसे आपने इसका ए का निकाला था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको दोनों को, दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, माइनस मल्टीप्लाई करें 1.2 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.2 माइनस, अब माइनस 4.4 है, माइनस 4.4 मल्टीप्लाई ऑफ 0.8, ठीक है, नीचे सिंपल वही आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट 1.24, 1.2 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.44, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब 4.4 को मल्टीप्लाई करें 0.8 से तो आ जाएगा आपके पास 3.52, ठीक है, और इसको डिवाइड हम लोग करेंगे 1.24 पे। इसको सॉल्व करने के पास आपके पास आएगा जी ये एक्स डिटर्मिनेंट 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था जब x का नाम आएगा तो x की हम लोग ये जो है रो नहीं लिखेंगे, y की लिख देंगे, ठीक है, x की जगह पे हम लोग b को लिख देंगे, ऐसे ही था। अब y का नाम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, x को लिखेंगे 1.5 0.7, लेकिन y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, b को लिख देंगे 1.2 - 4.4। मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, इतना डीपली वैसे मैंने नहीं समझाया कभी, लेकिन मैं इसलिए समझा रही हूँ कि बच्चों को बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि दोबारा जो पेपर में उन्होंने गलती किया वो दोबारा ना करें,
अच्छा अब इसको हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड्स को बीच में साइन हम क्या कौन सा लगाएंगे, माइनस का 1.5 को माइनस 4.4 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई माइनस 4.4 माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। डिवाइड किस पे करेंगे, ए डिटर्मिनेंट जो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं मैट्रिक्स मेथड में 1.24। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा माइनस 1.66, सॉरी 6.6 आएगा, सॉरी माइनस 6.6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस माइनस आ रहे हैं अभी फिलहाल, ये माइनस दोबारा लिखेंगे 0.7 मल्टीप्लाई 1.2 करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा 0.84, ठीक है। अब माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी अमाउंट के साथ होगा, बड़ी अमाउंट 6 है, 6 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस 6.6 माइनस 0.8 यानी कि इसको प्लस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 7.44। इसको डिवाइड करना है हमने 1.24 पे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा माइनस 6 वाई का, ठीक है। एक्स की हमारे पास आ गई वैल्यू 4 यहाँ पे 4, और वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 6, ठीक है। क्रैमर रूल ये मैंने आपको करवाया। अब ज़रा आप यहाँ पे देखें मैट्रिक्स और क्रैमर दोनों, क्रैमर में एक्स आया 4, मैट्रिक्स में एक्स आया आपके पास 4, ठीक है। जीरो की आपको पता कोई वैल्यू नहीं होती है, 4 आ गया। उसके बाद मैट्रिक्स में वाई आया माइनस 6, क्रैमर में भी वाई आया माइनस 6। ये ले जी, ये था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि जब आपको वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलता है ना, तो आपने मैट्रिक्स क्रैमर दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दोनों समझाए हैं ताकि मैं आपको आंसर निकाल के दिखा दूँ कि मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया कि अगर आप दोनों तरीकों में से किसी एक को भी चूज़ करके पेपर में करते हैं क्वेश्चन, तो आपका गलत किसी भी सूरत में वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप उसको उसने बोल दिया आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो तब तो आपको पता है आपने मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से ही करना है। वही होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हुई होगी, इस इक्वेशन की। नेक्स्ट टाइम अगर आपको आता है पेपर में, तो आप इंशाल्लाह इसको अटैम्प्ट करने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ जो कन्फ्यूजन है, ये मेन कन्फ्यूजन, इसको क्लियर कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।